अभी हमने बात करी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमको रिलेशन देता है बिटवीन दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड दी करंट इन अ क्लोज सर्किट। सो ओम्स लॉ से हमें क्या पता चला? ओम्स लॉ से हमको एक रिलेशन मिला वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, हमको एक रिलेशन मिला बिटवीन वॉट, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पी डी एंड करंट आई। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बट क्वेश्चन हमारा यहां पे ये अराइज होता है कि हमने बात तो कर ली ओम्स लॉ की, बट द थिंग इज हमको वो फैक्टर तो पता ही नहीं चला जो बेसिकली एक करंट को एक सर्किट के अंदर रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। और यू कैन से बाय व्हाट फैक्टर वी कैन कंट्रोल द करंट इनसाइड द सर्किट। सो सर्किट में बेसिकली क्या चीजें होती हैं? सर्किट में बेसिकली दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा होता है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है सर्किट में। व्हाट? चार्ज विल फ्लो। ठीक है, एंड करंट जो होता है वो बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है हमारे लिए, जो इस चार्ज के फ्लो होने से आती है हमको हमारे पास। सो अगर हमको एनर्जी चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी आउट ऑफ द सर्किट सो दैट आर अप्लायंस विल वर्क properly, we need a actual potential difference or there is a certain limit of potential difference which we required so that much charge can flow in order to generate that much energy. आई बात समझ में? इतना charge flow करना चाहिए as per the capability of the device, को जो भी device आप use कर रहे हो, हर device की एक basically capacity होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, उसको एटलीस्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है ताकि वो चार्ज मूव करा सके। जब चार्ज मूव होंगे देन वी आर एबल टू गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज अ आउटपुट जो कि हमें करंट से मिलेगा। इतनी बात आई समझ में? चलो, तो इस रिलेशन से हमको इस लॉ से एक रिलेशन मिला वी और आई के बारे में, बट हमको एक एडिशनल फैक्टर मिला क्या? आर, जो कि वो क्या है? जो कि है रेजिस्टेंस। अगर हमको किसी भी सर्किट में चाहे करंट बढ़ाना है चाहे करंट कम करना है, तो हम बेसिकली क्या रेगुलेट कर सकते हैं? लेट सपोज अगर मैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं, तो वी और आई इस लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, सो क्या होगा? जो हमारा करंट है वो भी बढ़ेगा लाइक दिस, बट हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। सिमिलरली अगर हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं देन हमारा जो करंट है वो भी सर्किट में कम हो जाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। सो इससे हमको क्या पता चलता है? इस रिलेशन से, यहां पे इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है कि अगर मैं V बढ़ाऊं तो I भी बढ़ेगा, अगर V कम होता है कम करूं तो I भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं? बोलो हां या ना। कह सकते हैं कि अगर V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ जाएगा, V कम करोगे तो I भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास एडिशनल चीज बची क्या? एडिशनल चीज हमारे पास बची R, जो कि है रेजिस्टेंस। So, R ही वो एक फैक्टर है जिसको हम ज्यादा या कम करके अपने सर्किट में करंट या एनर्जी बढ़ा सकते हैं या एनर्जी कम कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज कम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? सो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर आपने ये तो हमको बता दिया कि एक्चुअली जो उसके पीछे की वर्किंग है या उसके पीछे की जो थियोरी है वो क्या है, बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है? सो चलो आओ समझते हैं। सो यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल
The property of a material which offers an opposition, to the electric current in a closed circuit having some potential difference. We are writing potential difference as PD over here. Potential difference is called resistance. It's called what? It's called resistance. So, ऐसी property material की जो कि क्या offer करे, एक opposition offer करे. This word is very important. Opposition. Opposition in what sense we are saying over here? In case we increase our potential difference, our I will increase but R will decrease. But in case if you increase your R, these two values will automatically decrease. So you can say it is offering an opposition. ऐसी property material की जो एक opposition offer करे बाकी elements को जो कि उस circuit में है, you can say potential difference or current, ऐसी property को हम कहते हैं resistance. और resistance ही वो factor है जो basically help करता है हमें regulate करने में electric current को. Regulate means we are able to control electric current with the help of resistance only. अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ ने हमको दिया था ये फॉर्मूला V is equal to I R. So, अगर मैं इस फॉर्मूले में I को इधर ले जाऊं तो R का फॉर्मूला हो जाएगा दिस V by I. So, एक और डेफिनेशन हमारी यहां से आ जाती है रेजिस्टेंस की. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन से द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दी व्हाट टू दी इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. यहां से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ गई रेजिस्टेंस की जो कि हमें कहां से आई जो कि आई ओम्स फॉर्मूला से. ऐसी रेशियो जो पोटेंशियल डिफरेंस की हो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिव व्हाट इट गिव्स आउट रेजिस्टेंस आर. आर इज द सिंबल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके एंड द इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट then the SI unit of resistance is ohm. This is the symbol for the ohm. Okay. So let's suppose you have a circuit like this which is connected to a source of energy that is a battery and there is a bulb over here and there is a resistor R over here.
सो यू कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड दिस सर्किट बाय रेगुलेटिंग दिस रेजिस्टेंस आर फ्रॉम हियर. ओके, सो दैट दिस बल्ब विल ग्लो. ओके, इतनी बात आई समझ में? दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कनेक्ट योर सर्किट एंड कंट्रोल दिस वैल्यू ऑफ R इन ऑर्डर टू रेगुलेट द करंट विच इज फ्लोइंग इन साइड दिस सर्किट. ओके, नोट इट डाउन प्लीज. If I ask you people to define 1 ohm, so how you will going to define 1 ohm? 1 ohm. So how you will going to define 1 ohm? So 1 ohm, you can say it is 1 ohm. It is the ratio when 1 volt of potential difference with respect to 1 ampere of current. So if you can say, you can also write it as volt per ampere. Okay, so this is your 1 ohm. अब हमने बात कर ली तीन चीजों की. पहली चीज है करंट जो कि फ्लो करता है सर्किट में. दूसरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि करंट को और यू कैन से चार्ज को फ्लो कराता है सर्किट में. और तीसरी चीज है रेजिस्टेंस जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवाता है या जिसकी वजह से हम एक सर्किट में अपने करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल यानी रेगुलेट कर सकते हैं. बट अब ये जो रेजिस्टेंस आया, अब आप पूछोगे सर ये जो रेजिस्टेंस आया ये बेसिकली देता कौन है, किसकी वजह से हम ऐसा क्या चीज फिट है इनसाइड अ सर्किट जिसकी वजह से हम ये रेजिस्टेंस को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंट्रोल या रेगुलेट कर सकें. सो इसका एक सिंपल सा आंसर है. इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस फिट होता है सर्किट में जिसको बोलते हैं रेजिस्टर. इस डिवाइस का अपना एक सिंबल होता है. दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टर. ठीक है, अगर ये एक नॉर्मल रेजिस्टर का सिंबल है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स है. लेट सपोज अगर मैं आप सभी को बोलूं कि ये रेजिस्टर 3 ओम का है, इससे आपको क्या मतलब होगा या इससे आप क्या समझेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रेजिस्टर 3 ओम का है तो इससे आपको क्या समझ में आता है? आप सिंपल बोलोगे सर इससे सिंपल हमको ये समझ में आता है कि ये वाला जो रजिस्टर हम सर्किट में फिट करेंगे तो हमको ये 3 ओम का अपोजिशन ऑफर करेगा या ये 3 ओम का अपोजिशन ऑफर करेगा जो भी करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको. सही बात है, क्योंकि ये 3 ओम का रजिस्टर है ये तो ये यानी इसका मतलब यही है कि 3 ओम का रजिस्टेंस हमको ऑफर करेगा. चलो एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे. अगर मान लीजिए मैं एक रेजिस्टेंस रेजिस्टर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं और उस रेजिस्टर पर एक ऐसा साइन मार देता हूं टिल्टेड एरो का, इससे आपको क्या समझ में आता है? और इसमें यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि ये 5 ओम का रेजिस्टर है. तो एनी गैसेस, इससे आप क्या समझेंगे कि मान लीजिए आपको मैंने एक रेजिस्टेंस रजिस्टर दिया 5 ओम का जो कि इस टाइप का है, या ऐसा रजिस्टर आप कहीं भी किसी सर्किट में देखें लगा हुआ, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? इससे इस बेसिकली इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि ये जो रजिस्टर है ये एक स्टैंडर्ड रजिस्टर है 3 ओम का. स्टैंडर्ड रजिस्टर से अब आपका क्वेश्चन होगा सर स्टैंडर्ड रजिस्टर से आपका क्या मतलब है कि ये वाला रजिस्टर स्टैंडर्ड नहीं है, ये मतलब बेकार रजिस्टर है? नहीं, ये भी एकदम एब्सोल्युटली सही रजिस्टर ही है. अगर आप इसको सर्किट में फिट करोगे तो ये भी सही काम करेगा, इसको फिट करोगे तो ये भी सही काम करेगा, दोनों ही अपोजिशन ऑफर करेंगे जो कि एक रजिस्टर का काम है. पर ये वाला स्टैंडर्ड है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है, बात को समझ में नहीं आई? बात इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि ये एक
ऐसा रेजिस्टर है जो कि फिक्स्ड है। ये 3 ओम का ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट में, मतलब ये 2.9999999 ओम का रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं करेगा, ये एग्जैक्टली 3 ओम का ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। पर जब मैंने इसी रेजिस्टर पर ऐसे एरो लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि ये हमको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है? वेरिएबल रेजिस्टेंस से हमारा ये मतलब है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हमको ऑफर कर रहा है या करंट को ऑफर कर रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 4 ओम भी हो सकता है, ये 3 ओम भी हो सकता है, ये कुछ वैल्यू इसकी मिडल में भी हो सकती है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है ये ऑफर तो कर रहा है अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट, बट इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, कभी कितना है कभी कितना है कभी कितना है। नॉर्मली जितने भी हम सर्किट के साथ डील करेंगे उनमें फिक्स रेजिस्टेंस ही होगा व्हाटसोएवर इट विल बी, बट ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि अगर आपको कहीं पे ऐसा रजिस्टर दिखे तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इतनी बात आई समझ में? चलो अब जो हमको इतना तो पता लग गया कि हमको जो अपोजिशन मिलता है वो किससे मिलता है, रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस कहां से आता है, रेजिस्टर से। पर रेजिस्टर होता क्या है, चलो देखते हैं। अ फिजिकल डिवाइस विच हैज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफरिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज ऑफरिंग इट टू हूम, इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड रेजिस्टर। एक ऐसा डिवाइस जो कि एक सर्किट में अपोजिशन ऑफर करे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, और यू कैन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर करे टू इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सर्किट, इज कॉल्ड रेजिस्टर। इतनी बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना तो पता लग गया कि रेजिस्टेंस रेजिस्टर से मिलता है और रेजिस्टर होता क्या है, ठीक है। पर ये जो रेजिस्टर होता है ये इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। वन इज द लीनियर रेजिस्टर एंड अनदर वन इज नॉन लीनियर रेजिस्टर। लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। जो भी रेजिस्टर्स हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोज रेजिस्टर वी कॉल्ड टू बी एज अ लीनियर रेजिस्टर्स। द रेजिस्टर्स दैट ओबेज ओम्स लॉ आर नोन टू बी एज लीनियर रेजिस्टर्स, और इसका जस्ट अपोजिट होंगे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। द रेजिस्टर्स दैट डोंट ओबे ओम्स लॉ आर नोन टू बी एज नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। ती बात आई समझ में? अब हम डिस्कस करेंगे सम की पॉइंट्स अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहां पे वो ये कहता है दैट रेजिस्टेंस आर इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होता।
अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमको यह समझ में आता है, लेट सपोज आप हमने एक कॉपर वायर का रजिस्टर बनाया, ठीक है। अब हमने जो कॉपर वायर का रजिस्टर बनाया, तब हमारी कॉपर वायर थी इतनी लंबी, ठीक है, जब हमने इसका रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ थी और इसका एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी था। ये कॉपर वायर को अगर आप इस साइड से देखोगे, मैंने अभी ऐसे ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टली, अगर आप वर्टिकल यूं देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहां पे उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिखेगा, ठीक है, जिसको होता है मार्क कर दिया मैंने ए और लेंथ होती है एल। अगर मैं इस कॉपर वायर से एक रजिस्टर बनाऊं, ठीक है, और अगेन अगर मेरे पास अब इतनी लंबी कॉपर वायर है, ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो भी चेंज हो गई। अगर आप देखोगे इसकी लेंथ, इस कॉपर वायर की लेंथ और इस कॉपर वायर की लेंथ दोनों चेंज है। ये वाली कॉपर वायर जो सेकंड कॉपर वायर है, लेट सपोज इसको नाम दे देता हूं L2 और इसको नाम देता हूं L1। सो जो L2 लेंथ है वो L1 लेंथ से बड़ी है, L2 इज ग्रेटर देन L1, देख सकते हैं हम यहां से क्लियरली। और अगर मैं बोलूं इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, वो ऐसा है, A इज लाइक दिस, ये जो A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी नाम देते हैं A1 और A2। सो जो हमारा A2 है वो भी A1 से ग्रेटर है। सो इससे जो मैं रजिस्टर बनाऊंगा, दोनों ही केस में जो मटेरियल है वो मैंने सेम यूज करा है, कॉपर, इधर भी कॉपर है इधर भी कॉपर है, और दोनों से मैंने सेम ही चीज करी है, दोनों से मैंने एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर ही बनाया है जो कि हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट में। सो जो मेरा पहला पॉइंट है यहां पे वो ये कह रहा है दैट रेजिस्टेंस आर इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर मैं पहली कॉपर वायर से 2 ओम का रेजिस्टर बना पा रहा हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं दूसरी वायर से भी जो कि कॉपर की है उससे 2 का ही रेजिस्टर बनाऊंगा, उससे मैं 5 का भी बना सकता हूं। हो सकता है मैं इतनी इतनी ही लेंथ से, मान लीजिए मैं इतनी ही लेंथ लेता पर उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता इसी वायर का जो मैंने दूसरी कॉपर वायर ली, तब भी जरूरी नहीं है कि जितना हमारा रजिस्टर केस वन में था, जब हमारे पास L1 लेंथ थी और A1 क्रॉस सेक्शन एरिया था, उतना ही रेजिस्टेंस हमको दूसरे केस में भी मिले, जब हमारे पास L2 लेंथ का कॉपर वायर है और A2 का क्रॉस सेक्शन एरिया है उस कॉपर वायर का। सो इससे मेरा मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है इट्स नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर हम सेम मटेरियल ही यूज कर रहे हैं रजिस्टर बनाने में, तो इससे हमेशा हमको सेम रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा। इतनी बात आई समझ में? यह है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रेजिस्टेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है दैट रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ये बात तो और भी ज्यादा ऑब्वियस है, यहां तो अभी हम सेम मटेरियल की ही बात कर रहे थे। लेट सपोज अब हमने मटेरियल चेंज कर दिया, हमने यहां पे अब कॉपर की जगह पे इसको क्रॉस कर देते हैं, एल्यूमिनियम ले लिया Al। सो तो बात प्रिटी मच ऑब्वियस है कि एल्यूमिनियम का जो वो होता है डायमेंशन, उसकी लेंथ, वो डेफिनेटली कॉपर के डायमेंशन और लेंथ से अलग होगी, तो हमारा रेजिस्टेंस किसी भी केस में इक्वल नहीं हो सकता। ये हमको कौन बताता है? सेकंड पॉइंट दैट इन नो केस टू मटेरियल्स विल ऑफर सेम
रेजिस्टेंस एट सेम लेंथ एंड एरिया. लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, कि किसी भी केस में सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया पे दो मटेरियल सेम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे. ये हमारा सेकंड पॉइंट है अबाउट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. पहली चीज, इट्स शेप, इट्स साइज एसेट्रा. यहां हमने अभी जस्ट डिस्कस करा, मतलब इट इज अ जस्ट अ आउटपुट ऑफ फर्स्ट टू पॉइंट्स, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे. नेचर मींस कि वो सब्सटेंस किस चीज का बना है, वेदर वो एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है या मेटल का बना है. दूसरी चीज उसकी शेप पे, शेप साइज एसेट्रा, उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसकी शेप क्या है, इन सभी चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है.